हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम मैथ्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिनका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात। ओके, हम इस चैप्टर्स को बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं ये मानकर चलूंगा कि इस चैप्टर्स के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हो, यानी जीरो हो, ठीक है, ये मानकर मैं चलूंगा, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो है, ये आपका जो मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा, ये आपके बिहार एसएससी, जीडी, बीपीएससी टीचर, इन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा अदर भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है अनुपात और समानुपात, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या होता है। ओके, पहले ये आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए, अनुपात और समानुपात होता क्या है। अभी तक आपने एक चीज तो जान रखा होगा, अब तक आप ये चीज जानते होंगे, जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है ए बटा बी, कोई यहाँ पे वेरिएबल लिखा हुआ है ए बटा बी, तो आप लोग इसे क्या कहते हो बताओ? आप लोग इसे बटा बोलते हो, ए बटा बी, यानी भिन्न के रूप में आप इसे जानते हो। आप बोलते हो ये एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है। इंग्लिश में कहो तो आप बोलते हो भाई ये एक फ्रैक्शन है जो आपने लिखा है, ठीक है, यही आप बोलते हो। अगर सी बटा डी लिखा हुआ है तो इसे भी आप बोलते हो ये भी एक भिन्न है, एक फ्रैक्शन है। ओके, यही आप इसे नाम देते हो, राइट। अब इसी को ना, इसी ए बटा बी को, अगर इसी ए बटा बी को हम इस तरह लिख ले, ए और दो डॉट इस तरह हम दे दे और बी लिखे, तो इससे ही ये जो दो डॉट आया है, इसे ही हम लोग कहते हैं अनुपात, यानी रेशियो। इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, इसे ही नाम देते हैं हम लोग, अनुपात का नाम देते हैं, यानी इसको हम लोग रेशियो के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसे जी? इसे हम लोग रेशियो कहते हैं, ठीक है। अगर दो रेशियो को एक दूसरे से कंपेरिजन करे तो उसके बीच में ये चार डॉट आता है, ये जो चार डॉट आता है तुलना करने पर, ये जो दो रेशियो है, एक ये रेशियो हो गया, दूसरा ये रेशियो हो गया, दूसरा रेशियो सी अनुपात डी हो गया, राइट। अगर आप ये दो रेशियो को एक दूसरे से कंपैरिजन करोगे तो आपको लेना पड़ेगा समानुपात। ये समानुपात का चिन्ह है, किसका चिन्ह है जी? समानुपात का लोगो है, आप कह सकते हो लोगो, कह सकते हो आप कह सकते हो लोगो, तो कहना सही नहीं होगा क्योंकि ये लोगो नहीं, लोगो होता है एक फिगर के रूप में, तो ये फिगर नहीं, आप कह सकते हो ये सिंबल है, संकेत है, ठीक है। तो यहाँ पे अनुपात हो गया, और ये जो चार डॉट वाला होता है समानुपात होता है, ठीक है। यानी ये जो अनुपात है, ये अनुपात जो है ये बटा के रूप में काम करता है, इसी को आप लिख सकते हो ए बटा बी, और ये जो समानुपात है ये बराबर के रूप में यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है। और ये जो अनुपात है ये बटा के रूप में वर्क करेगा, ठीक है। यानी कि इसको इसको आप इस तरह लिखो, इसी चीज को, टोटल चीज को आप इस तरह लिख सकते हो, ठीक है, या इसको पूरा अगर जो आप कन्वर्ट इस तरह करना चाहते हो तो इस तरह भी कर सकते हो, यानी एक दूसरे की अपोजिट हो गया, ठीक है। यानी इन दोनों का मतलब सेम है, ऐसा नहीं है कि इस तरह लिखा हुआ है तो इसका कुछ और मीनिंग है, इसका कुछ और मीनिंग है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो अनुपात यही होता है, यानी जो बटा होता है अनुपात होता है, और जो इक्वल टू होता है ये समानुपात होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये बेसिक सा यहाँ पे बात था जो मैंने आपको बता दिया, ये सब आपको आनी चाहिए थी इसलिए मैंने बता दिया आपको, अगर आप लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है, ठीक है जी। अब यहाँ देखिए, अब देखिए अनुपात जो होता है बाबू, ये किसी भी वैल्यू का एकदम मिनिमम मान होता है। क्या होता है? मिनिमम मान होता है। मान लीजिए आपको, हमने आपको दिया एक अनुपात, ए अनुपात बी का मान दे दिया आपको आठ अनुपात दे दिया 24। ओके, तो अगर कोई बंदा बोलेगा कि ये अनुपात में है तो मैं इसे नहीं मानूंगा, इसमें बोलूंगा भाई ये अनुपात नहीं है, अभी ये एक संख्या है। अनुपात क्या होता है? किसी भी रेशियो का मिनिमम मान होता है, ये मिनिमम मान नहीं है। मैं आपको बोलूंगा कि ये कट रहा है, देखिए 8 इकाई 8, 8 दिया 24, यानी अब ये रेशियो 1:3 में आया है, अब ये मैं इसे कहूंगा कि अब ये अनुपात में है, क्योंकि अब इसे कोई भी संख्या नहीं काट सकता, इससे छोटा ये रेशियो हो ही नहीं सकता, अब ये अनुपात के रूप में ये रेशियो है, लेकिन 8:24 एक संख्या था, एक रेशियो नहीं था। अब यहाँ पे एक बात और आपने जान लिया, क्या जाना? कि अनुपात जो होता है, रेशियो जो होता है, किसी भी संख्या का मिनिमम रेशियो जो होता है वो मिनिमम मान होता है, उससे ज्यादा आप उससे छोटा कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। मान लीजिए सी अनुपात डी आपको हम दे दिए 5:7, और आपको हम बोले बताओ ये अनुपात है या नहीं, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, ये एक अनुपात है, एक रेशियो है। क्यों? क्योंकि इससे छोटा ये अनुपात हो ही नहीं सकता। अगर यही अनुपात दे दे आपको 5:15 में दे दे, तो आप बोलेंगे कि क्या एक रेशियो है? तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि इससे भी छोटा ये अनुपात हो सकता है। तो 5 इकाई 5, 5 3 15, यानी 1:3, अब ये अनुपात में है, ये अनुपात में नहीं था, ये अनुपात में नहीं था, ये अनुपात में है, ये भी अनुपात में है,
ठीक है। तो अब आपने क्या जाना, आपने जाना कि अनुपात जो होता है किसी भी रेशियो का मिनिमम मान होता है। क्या होता है जी, मिनिमम मान होता है, उससे छोटा वो रेशियो हो ही नहीं सकता, तभी वो अनुपात कहलाएगा। ठीक है, आपने इतना बेसिक जान लिया। अब यहां से यहां पे मैं इसे इरेज करता हूं, राइट। इसके बाद यहां पे मैं और भी बेसिक चीजें जानूंगी, ठीक है। अब यहां देखिए, अनुपात जो होता है किसी भी संख्या क्या होता है, मिनिमम मान होता है। जैसे मान लीजिए 500 रुपया है या फिर 50 रुपया है, ठीक है, 50 रुपया है। मैंने आपको कहा कि दो व्यक्ति के बीच बांटो, मान लो एक 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 व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, या नाम भी हो सकता है राम श्याम, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो ओके, तो मैंने आपको कहा कि इसे आप बांटो 3:2 के रेशियो में, बांटो 3:2 के रेशियो में। मैंने आपको कहा इन टोटल रुपये को, ये क्या है, टोटल रुपया है। मैंने आपको कहा इन रुपया को ए और बी के बीच 3:2 के रेशियो में बांटो, तो आप कैसे बांटोगे सोचो। अब आप ऐसे दिमाग लगा सकते हो, क्योंकि ये सिंपल सा है, तो आप दिमाग लगा सकते हो भाई कि हाँ भाई ये 50 रुपया है तो इसको हम 30 दे देंगे, इसको 20 दे देंगे, हो गया 50। सिंपल सी बात है, सिंपल सी लॉजिक है, तो इसमें तो आप कह दिए। लेकिन इसमें बड़ा संख्या दे दे और ये जो ये है ना फ्रैक्शन, ये भी बड़ा दे दे, तो आप वहां पे इमेजिन नहीं कर सकते जितना आप इनमें कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका समझो, इसका लॉजिक क्या होता है। देखिए, ये टोटल दिया हुआ है, रियल में टोटल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रियल में 50 रुपया टोटल दिया हुआ है, और रेशियो में टोटल कितना दिया हुआ है वो निकाल लो। रेशियो में टोटल कितना दिया हुआ है, 2 और 3, कितना होता है ये 5, तो रेशियो में दिया हुआ है 5, रेशियो में दिया हुआ है 5 टोटल, और टोटल रियल में कितना दिया हुआ है 50, तो इसको 50 के बराबर कर दो, ठीक है। तो रेशियो 5 का मान 50 है, तो रेशियो 1 का मान निकाल लो जी। रेशियो 1 का मान क्या हो जाएगा, 50/5। ओके, मैं देखिए बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ये सब हमें करने की जरूरत नहीं थी। हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करते, ज्यादा से कम में है मतलब भागा होगा तो डायरेक्ट हम भागा दे सकते थे, ठीक है। तो 5 × 50, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल ही जीरो हो, एकदम नहीं जानते हो, इस लेवल से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे बोल देगा कि भाई बताओ ए का हिस्सा क्या है, बी का हिस्सा क्या है। तो रेशियो 1 का मान आपने निकाला 10, तो रेशियो 3 का मान कितना होगा जी, 3 का मान कितना होगा, 10 × 3 यानी 30 रुपया हो गया। 30 रुपया हो गया ए का हिस्सा, और देखिए रेशियो 1 का मान 10 है तो रेशियो 2 का मान कितना होगा, तो रेशियो 2 का मान कितना होगा, गुना 10 कर देंगे तो 10 × 20 यानी 30 रुपया ए को मिलेगा, तो 20 रुपया किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। तो इस तरह देखिए टोटल 50 हो गया, 30 और 20 50, तो इस तरह आपको वर्क करना है, ठीक है। अब आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है, यदि ए रेशियो बी इक्वल टू 7:9 और बी रेशियो सी इक्वल टू 15:7 हो तो ए रेशियो सी इक्वल टू व्हाट, ओके, यानी ए रेशियो सी आपको निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या है जी, आपको दिया हुआ है ए रेशियो बी दिया हुआ है, ए रेशियो बी दिया हुआ है 7:9, ओके, और बी रेशियो सी क्या दिया हुआ है, तो बी रेशियो सी आपको दिया हुआ है 15 यानी 15:7 15:7 दिया हुआ है। तो आपसे बोल रहा है कि भाई बताओ ए रेशियो सी बराबर व्हाट, ओके। तो अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे समझो थोड़ा सा, आपसे पूछ क्या रहा है, फर्स्ट वाला रेशियो और लास्ट वाला रेशियो पूछ रहा है, राइट। तो फर्स्ट और लास्ट रेशियो जब भी पूछे तो आपको क्या करना है, सभी को आपको क्या करना है, रेशियो को बटा में करके सभी को आपस में गुना कर देना है, ठीक है। जैसे ए रेशियो सी बोल रहा है, राइट, तो ए रेशियो सी के बारे में क्या करेंगे, ए बटा बी गुना बी बटा सी करेंगे तो हमें ए रेशियो सी वापस आ जाएगा, यानी ए बटा बी यानी ए रेशियो सी आ जाएगा। वो कैसे, तो वो कैसे, यहाँ पे देखिए बी से बी कैंसिल हुआ यानी ए रेशियो सी आया कि नहीं, यानी ए बटा सी मतलब ए रेशियो सी हुआ इसका मतलब, यानी ए रेशियो सी आपको आ जाएगा, बात सुन भाई। तो आपको यही करना है, जब फर्स्ट और लास्ट जब भी पूछे तो आपको क्या करना है, जो रेशियो दिया हुआ है सभी को आपस में गुना कर लेना है बटा में करके, ठीक है। तो यहाँ पे ए 7:9 गुना 15/7, ठीक है, ओके। तो ये कट रहा है काटो, 3 × 3 = 15 और 7 × 7 = 7, ठीक है। तो ये 5:3 क्या क्या बताए जी, 5:3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन आपसे अगर पूछता कि ए रेशियो सी, फर्स्ट और लास्ट नहीं पूछता, अगर मान लो आपसे पूछ लेता ए रेशियो बी बताओ, तब ये आप ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते थे, तब ये आंसर आपका नहीं आता, एक्चुअली जो आना चाहिए था वो गलत हो जाता, ठीक है। लेकिन फर्स्ट और लास्ट पूछे तो आपस में सभी को गुना कर देना है बटा में करके, लेकिन फर्स्ट और लास्ट के अलावा कोई भी पूछे तो आपको वही अप्लाई करना है जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगर ये मान लीजिए अगर नहीं पूछता ये फर्स्ट और लास्ट वाला पॉइंट नहीं पूछता, पद नहीं पूछता, तो हम क्या करते हैं, देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी,
क्या दिया हुआ है जी, तो दिया हुआ है ए रेशियो बी दिया हुआ है 7:9 और बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है 15:7। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए कैसे आपको काम करना है। देखिए सी के स्थान पे कुछ नहीं है, तो सी के स्थान पे इस वाले एल्बम में सी के स्थान पे कुछ नहीं है, तो इसके आगे जो संख्या है ना वही अंक यहाँ पे आ जाएगा, 9 है ना, तो रेशियो यहाँ पे है तो रेशियो दे दो, रेशियो देगा रेशियो दे दो और ये 9 यहाँ पे दे दो। ठीक है, ये यहाँ पे फिल किया है, ये नहीं था, ये मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, इसलिए मैंने इसे घेरा दे दिया, घेर दिया। ठीक है, इसका मतलब समझना ये अलग से मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब देखिए इस स्थान पे ए के स्थान पे क्या है, कुछ नहीं है, तो इस रो में देखिए कौन सा संख्या है, इसके जस्ट नजदीक कौन सा संख्या है 15, तो यहाँ पे अनुपात पहले तो अनुपात दे दो और 15 यहाँ पे उतार दो। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसे घेर दिया, इसका मतलब है कि यहाँ पे इससे मैंने फिल किया है। ठीक है, ये रेशियो में नहीं दिया हुआ था। ठीक है, अब आपस में गुना कर दो, एकदम ऊपर ऊपर नीचे वाले गुना कर दो, तो 6×9=63, 15×9=135, 15×7=105। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया रेशियो आपका। ठीक है, अब ये आपका ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया, लेकिन अभी भी ये रेशियो नहीं है, क्योंकि अभी ये मिनिमम मान नहीं है, ये कट रहा है। देखिए 3×3=9, 3×5=15, फिर ये भी कट रहा है 3×3=12, 3×5=15, फिर 3 से कट रहा है, ये भी कट रहा है 3×3=3, 2×6=3, 3×3=3, यानी अब ये मिनिमम मान है रेशियो का, यानी ये अभी भी नहीं मिनिमम मान है, हाँ इस रेशियो में मिनिमम मान है, इससे ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। यानी ए अब क्या आ चुका है, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या आ चुका है 35:45:21, ये आ चुका है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान, ये क्या आ चुका है ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आ चुका है। ठीक है, लेकिन अब अगर आपको बोलता है ए और बी का अनुपात बताओ, तो ए और बी का अनुपात लो लिखो, ए अनुपात बी, ए की जगह क्या है 35, तो 35 लिख लो, अनुपात बी की जगह क्या है 45 लिख लो, 5 से कट रहा है काट लो, 5×5=35, 5×9=45, यानी 7:9 ये आ चुका है ए रेशियो बी का मान। ठीक है, यानी एक ही क्वेश्चन में हम जिस तरह पूछेगा आपको काम कर लेना है। मान अच्छा मेरा मेन मकसद था इस क्वेश्चन में पूछने का ए रेशियो सी, तो ए रेशियो सी आइए हम निकालते हैं। देखिए ए रेशियो सी कैसे होगा, ए रेशियो सी, ए क्या जगह पे क्या है 35, तो 35 रेशियो सी की जगह क्या है 21, तो 21, अब ये कट रहा है 7 से, देखिए 7×5=35, 7×21, देखिए यहां से भी 5:3 आया कि नहीं, यहां से भी 5:3 आया और यहां से भी 5:3 आया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है थोड़ा सा कुछ ज्यादा टाइम लगेगा और इसमें टाइम नहीं लगेगा, ये काम कब करोगे जब फर्स्ट और लास्ट पूछे, तो आपको यही वाला रूल आपको अप्लाई करना है कि आपस में सभी को गुना कर दो, लेकिन फर्स्ट और लास्ट नहीं पूछे तो आपको इस रूल में आना ही पड़ेगा, इस मेथड में आना पड़ेगा, और ये करते करते आपका बहुत स्पीड हो जाएगा, ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए इसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लगा है, क्योंकि मुझे बिल्कुल बोला ना कि मैं ऐसा मान के चलूंगा बिल्कुल आप नहीं जानते हो, उस बस में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, तो आप ये तो एक्स्ट्रा मैंने काम किया, यहाँ पे जो है ना एक्स्ट्रा वर्क किया है। ठीक है, ओके, देखिए ए रेशियो सी निकालने के लिए तो आपको यहाँ इतना काम करना ही पड़ता, सॉरी ए रेशियो सी निकालने के लिए तो डायरेक्ट आप निकाल देते, लेकिन अगर आप इस मेथड से भी निकालते ना तो यहाँ तक आते, फिर आप ये सब काम नहीं करते, ये जो मैंने किया है ए रेशियो बी निकालो फिर डी रेशियो सी निकालो, इस तरह नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो इस तरह आप इजीली कर सकते हो, यानी मेन आंसर आपका ये हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, बस समझ में आई, चलिए इसे हम इरेज करते हैं, आप लिख सकते। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, यदि ए रेशियो बी बराबर 5:7 और बी रेशियो सी बराबर 6:7 हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आपको निकालना है। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको, आपको दिया हुआ है ए रेशियो बी, ए रेशियो बी इसे स्मॉल में लिखना चाहते हो तो स्मॉल में भी लिख सकते हो। ओके, चलिए ए रेशियो बी बराबर क्या दिया हुआ है 5:7 दिया हुआ है, राइट, और बी रेशियो सी बराबर क्या दिया हुआ है जी 6:7, तो आपसे पूछ क्या रहा है बताइए, पूछ रहा है आपसे ए रेशियो, यहां भिंगा हुआ इसलिए ऐसा। ठीक है, पूछ रहा है आपसे ए रेशियो बी रेशियो सी का मान बराबर व्हाट, ये आपसे बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट और लास्ट पूछता तो वही वाला अप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट नहीं पूछ रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम वही वाला रूल अप्लाई करेंगे जो दिया हुआ है, टोटल लिख लेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या क्या दिया हुआ है वो टोटल लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके, चलिए ए रेशियो बी क्या दिया हुआ है, ए रेशियो बी 5:7 दिया हुआ है, तो लिख लो। ठीक है, और बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है 6:7 लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके स्थान क्या आएगा, तो इस वाले रो में इसके नजदीक ये 7 है,
यही वाला सेवन यहाँ फिल हो जाएगा, अनुपात देकर के यहाँ सेवन फिल हो गया, ये वाला सेवन यहाँ आ गया, ठीक है। अच्छा इस बार नीचे वाले रो में क्या आएगा, नीचे वाले रो में देखिए अनुपात है, अनुपात दे दो, ये वाला छह आ जाएगा, है ना, इसके नजदीक यही संख्या है ना, देखिए यही आ जाएगा, ये वाला छह आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो इस तरह हो गया। अब मैंने इस बार क्या बोला, मैंने सब बोला आपको ऊपर वाले को ऊपर वाले साथ सभी को गुणा कर देना है, तो 47 रेशियो 6 47 42 रेशियो 6 5 30, है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर ये रेशियो कट रहा है तो आप इसे काटिए, अन्यथा यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि ये कट नहीं रहा है, इससे कम ये रेशियो हो ही नहीं सकता है, तो यही आपका ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आ गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, ओके। मान लो आपसे पूछ लेता ए रेशियो सी निकाले, तो बहिरो मेथड आप अप्लाई करते, मान लो इसी क्वेश्चन में आप बोल देता कि ए रेशियो सी निकाले, तो आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं था, सिंपल सी बात था, 5/7 गुना 6/7, लो ये नहीं कट रहा है ना, सिंपल सी बात है, 6 5 30, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ गुना, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ गुना, 47 49, देखिए ए का मान यहाँ पे देखिए 30 है और सी का मान 49 है, यहाँ से भी ए का मान 30 और सी का मान 49, यानी अगर फर्स्ट और लास्ट पूछेगा तो ये भी लागू अप्लाई करना है, और फर्स्ट और लास्ट के अलावा जो भी पूछे आपको ये काम आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब कई लोग इसे गुना करके बैलेंस करते हैं, ये सब नहीं करते हैं, तो वो भी अपने आप में सही है, लेकिन ये मेथड है ना, ऐसा मेथड है कि इसमें आपको सोचना ही नहीं, कोई भी आएगा बंदा बैग जो खाली स्थान है इसके नजदीक वाला जो संख्या भर देगा, आपस में गुना कर देगा, कटेगा काट देगा, या इसका रेशियो हो गया, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा ट्रू था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, ओके। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखेंगे क्योंकि आज के इस क्लास में हमने बेसिक ही बताया, 5 क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या मेरा एक्सपीरियंस हो सकता है, हो जाएगा, मेरा कौन सा एक्सपीरियंस है, हम बोल नहीं पाते हैं, तो हम वीडियो पहले तैयारी कर लेंगे ना, अच्छा ठीक है कर ही देंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला, ए रेशियो, अगर हम डेली वीडियो बनाए ना तो मेरा भी हैबिट और भी बेहतर हो जाएगा, बना ही नहीं रहे डेली, हमको मौका ही ज्यादा बढ़िया से नहीं मिल पा रहा है, ए रेशियो की बार दिया हुआ है 2:3, ठीक है, ओके, और बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है जी, 5:7, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है भाई ए रेशियो सी बराबर व्हाट, है ना, देखिए कोई कोई पढ़ना और पढ़ाना में अंतर होता है, समझे ना, अगर आप रेगुलर अगर आप किसी चीज में है तो आप निखरिएगा उसमें, लेकिन वही चीज को आप छोड़िएगा तो निखरना नीचे चले जाएगा, निखरना नीचे से निखरिएगा, यानी जीरो लेवल पर आ जाएगा, वही सब मेरे साथ हो रहा है, यानी पढ़ तो लेते हैं, पढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत दिन बाद जो है ना सब कुछ एक स्ट्रक्चर पूरा तैयार करना, कैमरे का आगे और वो चीजें याद करना जो कि हमें बच्चे क्या बताए जो कि समझ में आ जाए, टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैं बात कर रहा हूँ दोस्त, ठीक है, अब यहाँ देखिए आपसे पूछ रहा है फर्स्ट रेशियो लास्ट रेशियो, देखिए ए पूछ रहा है, बी के बारे में कोई जिक्र नहीं है, सी पूछ रहा है, यानी ए और सी फर्स्ट और लास्ट रेशियो बोल रहा है, तो आपको मैंने वही मेथड आपको बताया है भाई, आप क्या करोगे सभी को बटा में करके पहले वाले रेशियो को बटा में कर दो, 2:3 यानी 2/3 गुना दूसरा रेशियो क्या है 5/7 यानी 5/7, इसका यही मतलब है ना, अब इसको गुना कर दो, कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो गुना कर दो, 5 × 10 = 21, इससे ज्यादा ये कम हो सकता है, नहीं नहीं हो सकता, यही आपका ए रेशियो सी का मान आ गया, ये क्या है आपका ए रेशियो सी, यही आपका मान आ गया, यही आपका आंसर हो गया। मान लो ये आपसे नहीं पूछता, आपसे पूछ लेता ए रेशियो बी क्या होता, या फिर पूछ लेता ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होता, तब आप तो ये वाला मेथड नहीं अप्लाई कर सकते थे ना। मान लो आपसे पूछ लिया है ए रेशियो बी और फिर आपसे पूछ लिया है ए रेशियो बी रेशियो सी, सिंपल सी बात है, जब ये पूछता तो ये पूछने वाली कौन सी बात थी, क्योंकि इसमें तो सारा आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, यानी ये वाला जहां पूछ लेगा तो मतलब है कि साहब इसमें आ ही गया ए रेशियो बी रेशियो, यानी कि आपसे पूछ लेगा ए रेशियो बी रेशियो सी निकाले, तब आप क्या करते, बहिरो मेथड अप्लाई करते, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी का मान कितना दिया हुआ है जी 2:3 दिया हुआ है, बी रेशियो सी का मान कितना दिया हुआ है 5:7 दिया हुआ है, लिख लिया हम, अच्छी बात है लिख ली, ठीक है। अब देखिए इसके स्थान क्या आएगा, इसके स्थान क्या आएगा 3 3 3, रेशियो है रेशियो दे दो 3 दे दो, इसको हम घेर दिए क्योंकि ये अलग से लिखे हैं, ये रेशियो में नहीं दिया हुआ था, ठीक है। अब यहां देखिए आप क्या आएगा 5 5, इसके नजदीक कौन सा संख्या है, इस रो में कौन सा संख्या है, इसके नजदीक 5, तो रेशियो दे दो 5 दो, इसको हम घेर दिए क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ नहीं था, इसका ये मतलब आपको समझना है, ठीक है। अब आपस में गुना कर दो ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ, 7 3 = 21, ठीक है, 5 3 = 15, 5 × 10, देखिए ए रेशियो सी का मान आया 10:21, यहाँ से भी आया यहीं से भी आया, ठीक है। तो अगर आपको पूछ ले ए रेशियो बी तो 10:15,
मान लो ए रेशियो बी पूछ लेता यही क्वेश्चन है, तो आप क्या करते? इतना तो काम आपको करना ही पड़ता, फिर वापस ना पाते 10:5 लिखते, 15 लिखते और इसको काटते, क्योंकि ये रेशियो कट रहा है 5 × 10 = 5 / 15 यानी 2:3। अब आप बोलते कि ये 2:3 इसका आंसर हो गया ए रेशियो बी का। और ए रेशियो सी का अगर अनुपात ए रेशियो बी रेशियो सी का पूछता तो ये अब इससे छोटा होगा क्या? नहीं होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा जब पूछता ए रेशियो बी रेशियो सी। ये क्या निकल के आ चुका है? ए रेशियो बी रेशियो सी निकल के आ चुका है ये आंसर, और ये आंसर ए रेशियो बी का आ चुका है, और ये ए रेशियो सी, ए रेशियो सी तो आप निकाल ही चुके हैं, यहाँ से भी निकालिए होगा, यही आंसर आएगा। देखिए ए की जगह क्या आया 10, सी की जगह क्या आया 21, यही आ गया ए रेशियो सी। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, दोनों तरह से बता दिया कि आप कंफ्यूज मत हो, ये कब ये अप्लाई करोगे ये जब फर्स्ट और लास्ट पूछे तब, लेकिन फर्स्ट और लास्ट के अलावा कोई और पूछ दे तो इतना काम तो आपको करना ही है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए इस तरह आपको इतना बार मैं बता दूंगा कि आपको आदत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे आप लिखिए, हम इरेज करते हैं। अब आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए, यदि 2a = 3b और 4b = 5c है तो a रेशियो c आपको बोल रहा है निकालने के लिए। देखिए क्या दिया हुआ है, 2a = 3b राइट, और दूसरा दिया हुआ है 4b, दूसरा दिया हुआ है 4b = 5c। तो आपसे बोल रहा है कि आप बताओ a रेशियो c बराबर वाट, ये आपको बोल रहा है फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो आप पहले तो इससे आप क्या करो, इससे आप सबसे पहले क्या करना है आपको, इसे आपको रेशियो में लिखना है। तो रेशियो में कैसे लिखोगे, देखो सिंपल सा बात है, देखिए ए है ना, 2a है, लो 2a, इस b को हम नीचे लेते हैं, इस साइड लेते आते हैं, तो ये गुना में तो भाग में आ जाएगा b, इस 3 को यहीं रहने देते हैं कोई दिक्कत, अब ये 2 को हम उस साइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये गुना में तो उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ऐसे आपको ऐसे समझना है आपको, सिंपल सा लॉजिक है। यानी इसे आप क्या लिख सकते हो, a रेशियो b बराबर 3:2 बटा के मतलब तो अनुपात ही होता है, ये बात तो इतना तो अब तक आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब इसको भी यही अप्लाई करना है। देखिए 4b है ना, तो इस c को हम इस साइड लेके आते हैं, ये गुना में तो इस साइड आएगा तो c तो भाग में हो जाएगा, और ये 5 को तो हम वही रहने देते हैं, और ये 4 जो है ना उस साइड कर लेते हैं, ये गुना में 4 है ना तो उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो ये 4 उस साइड चल गया भाग में, इस तरह हो गया। ठीक है, तो यानी कि b रेशियो c बराबर 5:4 हो गया, कोई दिक्कत, यानी a रेशियो b, b रेशियो c आपने निकाल लिया। पूछ रहा है फर्स्ट और लास्ट, तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट और लास्ट पूछ रहा है तो मेरे लिए तो और आसान हो चुका है, 5/4, ये क्वेश्चन नंबर कौन था, 4 था राइट, तो 5/4 ये कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा तो ये आंसर हो जाएगा 5 / 15:8, 4 × 8 यही आपका आंसर हो गया 15:8। मान लो आपसे पूछ लेता ए, यहाँ एक्स्ट्रा हम काम करते हैं, यहाँ पे मान लो आपसे पूछ लेता ए रेशियो बी रेशियो सी निकाले, तब आप क्या करते, तो वही रूल अप्लाई करते, तो ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी का मान दिया हुआ है 3:2 और बी रेशियो सी का मान दिया हुआ है 5:4। ओके, ये इतना काम करते आप। अब देखिए इसके स्थान पे क्या आएगा, इस वाले रो में क्या आएगा, 2, क्योंकि इसके नजदीक 2 संख्या तो 2 आ गया, इसको हम घेर दिए क्योंकि ये अलग से हमने लिखा है। ठीक है, अब इसके स्थान पे क्या आएगा, इसके स्थान क्या आएगा बताओ, इसकी स्थान तो 5 आएगा ना, इस रो में देखिए ऊपर वाले संख्या ऊपर वाले रो को भूल जाइए, इस वाले रो में क्या बच गया 5, तो यही वाला 5 यहां आ जाएगा, बात समझ में आई। चलिए अब क्या करते हैं, ऊपर वाले को ऊपर ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, 4 × 8 = 5 × 10 = 5 / 15, तो ये आपका जो निकल के आया है ए रेशियो बी रेशियो सी आया जी, लेकिन आपसे पूछ रहा था ए रेशियो सी, तो ए रेशियो सी बोलेगा तो ए रेशियो सी 15:8, यहां से भी 8 आया, यहां से 15:8 आया, तो इस तरह सिंपल वे था। लेकिन इस तरह ये काम कब करते, मान लो फर्स्ट और लास्ट नहीं पूछता, आपसे पूछ लेता कि बताओ ए अनुपात बी क्या होगा, तब तो आप इतना काम करते ना, तो ए अनुपात बी बराबर आपका यहाँ का आया 15:10, ये कट रहा है 5 / 15, 5 × 10 यानी 3:2 को ये आपका हो गया ए रेशियो बी का मान, ए रेशियो बी का मान ये आपका आ चुका है, ए रेशियो बी का मान। ठीक है, मान लो आपसे पूछ लेता ए बी सी रेशियो, तो ए बी सी रेशियो तो यही हो गया ना ए बी सी, ठीक है, और ए सी का मान भी तो यही आया जो यहाँ पे आया भाई, यहाँ पे आया, सिंपल था। ठीक है, तो इसे हम इरेज करते हैं। ठीक है, मेन आपका यहीं तक आंसर हो गया। ओके, तो ये मैंने दोनों मेथड से इसलिए बता दिया ताकि बच्चा ये ना सोचे कि
उनको रिवीजन हो, माइंड में रिवीजन हो कि हाँ इस मेथड को रिवीजन हो करी बार बार, इसलिए मैं आपको बताता हूँ चल रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट डे हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जी, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे में आएंगे क्योंकि बेसिक हमने बताया तो उसमें ज्यादा टाइम मिला चला गया। ठीक है, देखिए x बराबर दिया हुआ है 1/3 y, यही दिया हुआ है ना, और क्या आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, y इक्वल टू 1/2 z, यही दिया हुआ है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ x अनुपात y अनुपात z बराबर what, यही पूछ रहा है ना, यानी x रेशियो y रेशियो z का मान आपको बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहले इसे क्या करो, रेशियो में बदल दो। देखिए ये क्या है, गुना में y है, गुना में y है तो इस साइड कर दो, तो y इस साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी x बटा y बराबर 1/3। ठीक है, अब इसमें यही काम करो, y बराबर y, अच्छा ये z गुना में है, ये क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है ना, उस साइड इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा यही 1/2, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, इतना तो अभी तक मैं आप जान ही चुके हो, बटा को हम इस तरह लिख सकते हैं, है ना, इसे भी आप इस तरह लिख सकते हो, y रेशियो z बराबर 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, होना भी नहीं चाहिए क्योंकि बिल्कुल मैं बेसिक्स बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है, अगर आपसे पूछ लेता x रेशियो z, मान लो अगर ये नहीं पूछता, मान लो हम एक्स्ट्रा लेक्चर रहे हैं, देखियो मान लो आपसे पूछ लेता x रेशियो z बराबर वॉट, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट पूछ रहा है और लास्ट पूछ रहा है, फर्स्ट और लास्ट पूछ रहा है, देखिए x रेशियो y रेशियो z पहला और लास्ट यही पूछ रहा है ना, x रेशियो z फर्स्ट और लास्ट पूछता है, तो हम लोग क्या करते हैं, रेशियो को गुना कर देते हैं बटा में करके, तो x रेशियो y का मान दिया हुआ है 1/3 गुना y रेशियो z का मान दिया हुआ है 1/2, हम इसको गुना कर देते हैं, डायरेक्ट आ जाता है x रेशियो z का मान, ये कट नहीं रहा है तो 1 को 1 से गुना करेंगे, 3 × 6 यानी 1/6 यानी 1/6, ये x रेशियो z का मान आ गया। लेकिन आपसे पूछ लिया है x रेशियो y रेशियो z, तो हम वही यहां पे रूल अप्लाई करेंगे जी, देखिए x रेशियो y रेशियो z यही है ना जी, x रेशियो y का मान कितना दिया हुआ है बोलिए, 1/3 दिया हुआ है कि नहीं, और y रेशियो z का मान कितना दिया हुआ है, 1/2 बोलिए दिया हुआ है कि नहीं, ये हम गलत लिख रहे हैं, इसमें कुछ भी हम ऐसा कर रहे हैं जो समझ में नहीं आ रहा। देखिए इसके स्थान पे क्या आएगा, z के स्थान पे, तो इस वाले रो में ऊपर वाले रो में देखिए 3 इसके नजदीक वाला संख्या है, यही वाला 3 यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले नीचे वाले रो में आइए, तो इसके आगे क्या आएगा, इसके नजदीक कौन सा संख्या है इस रो में, 1, ये वाला 1 यहाँ पे आया है, ये वाला 1 यहाँ पे आया है, ये वाला नहीं आया, ऊपर वाला नहीं आया, नीचे वाला में जो नीचे वाला संख्या नजदीक रहेगा वही यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर नीचे गुना कर दो, 3 × 6 3 × 3 अनुपात, ठीक है, 1 × 1 1। आपसे पूछ क्या रहा था, पहला और लास्ट, नहीं अभी पहला लास्ट नहीं पूछा, x रेशियो y रेशियो z, तो x रेशियो y रेशियो z यही आपका आंसर हो गया, इससे छोटा ये भिन्न हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो यही आपका आंसर हो गया। मान लो आपसे पूछ लेता x रेशियो y, तो x रेशियो y का मान कितना है, 1/3 हो जाएगा, और यहाँ देखिए x और z का मान आया, यहाँ भी सेम x का मान 1 और z का मान 6, तो यहाँ भी आया ना भाई, देखिए यहाँ भी वही आया और यहाँ से भी वही आया, है ना, अगर फर्स्ट लास्ट पूछेगा तो यही काम करना। ठीक है, तो हम 5 ही क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो चुका है और मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, 4-5 दिन गैप करके वीडियो बना रहा हूँ, तो इस तरह हमें थोड़ा सा ढलने में समय लगता है। ठीक है ना, तो रेगुलर रहने की कोशिश करूंगा, तो मैं बिल्कुल ही कंटिन्यूसली और बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेबल पढ़ाने की कोशिश करूंगा जो आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। ओके, सो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सो थैंक यू।